और इसराइल हमास के बीच भयंकर जंग जारी है। इस बीच लेबनान बॉर्डर पर दहशत का माहौल देखा गया। गाजा में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर वेस्ट बैंक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच इसराइल ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल की हमास को अंतिम चेतावनी को लेकर ही सामने आ रही है, जहां हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे, ये इसराइल की ओर से कह दिया गया है। IDF के प्रवक्ता है जोनाथन ब्रिकस, उन्होंने चेतावनी दी है, आत्मसमर्पण करने पर हमला नहीं करेंगे, यानी आप सरेंडर कर दीजिए। IDF ने ये साफ तौर पर हमास से कहा है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन IDF के प्रवक्ता का ये बड़ा बयान। तो इसराइल की अंतिम चेतावनी क्या सामने आई है, उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, इसराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है और इसमें क्या कुछ कहा गया है बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि हमास बंधकों को रिहा करे और तुरंत आत्मसमर्पण करे, वरना वो कुछ करेगा इसराइल जो हमास के इतिहास में, गाजा पट्टी के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। तो हमास ने आत्मसमर्पण किया तो जमीनी हमले नहीं करेंगे। जिन जमीनी हमलों की अभी शुरुआत नहीं हुई है उसको लेकर एक शर्त रख दी गई और ये भी कहा कि हमास नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे और जमीनी हमले करेंगे। इसराइल ने अपना रुख साफ किया, ये एक बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइली फोर्स आगे बढ़ी तो धरती से हमास का मिटना तय है, ये बड़ी अंतिम चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जो इसराइल की तरफ से जारी। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि युद्ध एस्केलेट करेगा, बढ़ेगा, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर हमास की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। तो आइए आगे एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या हमास के लड़ाके सरेंडर कर देंगे इसराइल के इस धमकी के बाद। सिंह सर, मैं आप ही से इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा, इस धमकी का कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है, क्या हमास किसी प्रेशर में आएगा या फिर ये युद्ध, ये जंग और एस्केलेट करेगी? देखिए, इसराइल की ये जो चेतावनी है ये बड़ी समय के साथ सोच के दी गई है, क्योंकि आप इसराइल ने हमास के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक जो किए हैं अलग अलग तरह से, उसका जो प्रेशर बनाया है, उसके बाद पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर दोनों बनाए हैं, तो ताकि हमास जो है उनका जो है मनोबल टूटे और इस मनोबल को आगे तोड़ने के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव की धमकी दी गई कि अब बहुत बड़ी होगी। अब ये इसराइल भी जानता है कि उनके बंधक वहाँ पर हैं, उनको छुड़ाना है, तो बड़ा केयरफुल ये कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, हमास जो है चाहते सरेंडर करें, मुझे लगता नहीं हमास अभी सरेंडर करेगा। उसके दो कारण हैं, एक तो उनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट नहीं है, दूसरा उनको कंटिन्यूस जो सप्लाई है वेपन्स की मिल रही है। अगर ईरान से वेपन की सप्लाई बंद नहीं होगी तो ये लड़ाई जो है चलती रहेगी। इसको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये वेपन की सप्लाई बंद होना ज़रूरी है। और जो पैलेस्टीन अंदर वहाँ पर गाजा पट्टी में है वो भी हमास के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो शायद उसके कारण हमास सरेंडर की तरफ सोचे और ये उनके बंधक वापस। बहुत ही सरल तरीके से 60 सेकंड में एक्सपर्ट्स आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा और विध्वंसक होने के आसार इसके नजर आ रहे हैं।